हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की वीडियो इस एक ऐसे प्रोडक्ट पर है। ये है लॉटस का फाउंडेशन और जो मेरे पास है ये है लॉटस मेकअप नेचुरल ब्लेंड कंफर्ट लिक्विड फाउंडेशन है। ये SPF 20 है और ये जो मेरे पास है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है और इसका जो शेड है बफ 320 का शेड है और नेट क्वांटिटी इसकी 30 ml है और ये बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बॉटल बनी हुई है। और इसके नेक्स्ट इसकी दूसरी साइड पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ये एक ऑयल फ्री लाइट वेट फॉर्मूला है जो आपको मैट फिनिश देता है और आपको स्किन को फ्लॉलेस लुक देता है। और ये एक नेचुरल टेक्सचर है जो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और आपकी स्किन पे पता ही नहीं चलता है कुछ वेयर किया हुआ है, कुछ लगाया हुआ है, आपकी स्किन ही ग्लो कर रही है। और आप इसको लॉन्ग टाइम यानी सारा दिन इसको वेयर कर सकते हैं। ये सन से प्रोटेक्ट करता है आपको और आपकी जो मेकअप करने के बाद भी आपकी कलर को चेंज नहीं करता है, स्मज और फेड है। और यहाँ पर इसकी 2 ईयर आपको शेल्फ लाइफ मिल जाएगी और इसका जो प्राइस है 380 rupees इसका प्राइस है। ये मैंने लोकल शॉप से ही लिया था तो मुझे इतने का ही मिला था। हो सकता है आप ऑनलाइन लें तो इसका प्राइस आपको ऑफर में मिल जाए कम या डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो बहुत अच्छी सी कैप लगी हुई है इसके ऊपर, हाफ कैप है जिसके कारण ये वेस्ट नहीं होता है। बहुत अच्छा सा इसका ये बना हुआ है, आप इसको ट्रैवल कहीं भी जा रहे हो तो इसको इजीली लेकर जा सकते हैं। तो ये बात इसकी बहुत अच्छी है। तो आपको पता है फाउंडेशन आपको कैसे वेयर करना होता है, फेस के ऊपर कैसे लगाना होता है। जस्ट आपको सबसे पहले अपने फेस को वॉश करना होता है, उसके बाद टोनर अप्लाई कीजिए कोई भी अच्छा सा, और उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप प्राइमर को अप्लाई कीजिए। फाउंडेशन से पहले प्राइमर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और मैं यहाँ पर जो मेबलिन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल में डाल चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मास्टर प्राइम जो है मेबलिन का वो लगाया हुआ है। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिए। तो यहाँ पर उसके बाद मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो फाउंडेशन है आप अपने फेस पे डॉट डॉट करके सारे फेस पे अपने अच्छे से उसको लगा लीजिए सबसे पहले, ऐसे डॉट डॉट करने के बाद। और अच्छा सा कोई ब्यूटी ब्लेंडर लेकर उसको वाटर में डाल के अच्छे से निचोड़ लीजिए और उसके बाद उसको अच्छे से फेस पे ब्लेंड कीजिए। यहाँ पर मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं जस्ट अपने हैंड पर ही लगा रही हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसी इसकी लुक है। तो आप अगर अपने फेस पे लगा रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए फाउंडेशन कैसे लगाना है। उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ये आपको बिल्कुल नेचुरल लुक देता है, बिल्कुल भी लगता नहीं कि आपकी स्किन पर कुछ लगाया हुआ है, आपकी स्किन ही ग्लो कर रही है ऐसा लगता है इसको लगाने के बाद। और ये नेचुरल प्रोडक्ट है, बिल्कुल केमिकल नहीं है इसमें। लॉटस के जो प्रोडक्ट होते हैं बिल्कुल नेचुरल होते हैं। देखिए कैसे अच्छे से इसने एकदम से ग्लो आपकी स्किन को कर देगा, अच्छी लुक देगा। और इसके बाद आप जो भी हाइलाइटर जो भी आपको लगाना होता है लगा सकते हैं फेस पे। देखिए कितना डिफरेंस आ गया है स्किन में। तो आप इसको अच्छे से वेयर कर सकते हैं। अगर कॉलेज गर्ल हैं आपको इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ऑयली स्किन वाले और सेंसिटिव स्किन वाले इसको अवॉइड कीजिए, वो इसको मत लगाना। एक्नी प्रोन स्किन है, ऑयली है, सेंसिटिव स्किन है और वो इसको नहीं लगा सकते। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। मेरी स्किन जो है जस्ट थोड़ी सी ऑयली है लेकिन मुझे इसने कुछ नुकसान नहीं किया है, अच्छे से मुझे मैंने इसको यूज़ किया है लेकिन मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन फिर भी एक्ने प्रोन स्किन वाले जो ऑयली स्किन वाले हैं इसको अवॉइड कीजिए, वो मत यूज़ कीजिए। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के बिल्कुल बेस्ट है, समर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये थी आज की वीडियो। तो इसे लगाने से पहले प्राइमर ज़रूर अप्लाई कीजिए अच्छी लुक के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो साथ में बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो बहुत अच्छा फाउंडेशन है, आप मेरी तरफ से आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्ने प्रोन ऑयली स्किन वाले अवॉइड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।